तो भाई लोग कैसे हो सभी लोग। तो हमें एक और न्यू वीडियो हम फिर से खेलने वाले हैं शेडो फाइट 3। अब आज की वीडियो में मैं एक इवेंट को कंप्लीट करने वाला हूँ जिसका के नाम है क्रीपी पार्टी की। अभी अभी आया अपडेट के थ्रू तो इसको ही खेलने वाला हूँ मैं। सबसे पहले अपने वेपन को ले लेता हूँ जो कि मेरा भाई फेवरेट वेपन होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे चलाने के लिए। और इवेंट में तो भाई सारे वेपन इक्वली होते हैं तो मैं इसी को लेने वाला हूँ। ये देखो भाई बहुत सही चलता है ये, तो मैं इसी को लेने वाला हूँ। चलते सीधा कुछ गिफ्ट दिखा रहा था उसको मैंने कैंसिल कर दिया। भाई गिफ्ट मुझे चाहिए इवेंट में जाके, शायद वो गिफ्ट मुझे मिलेगा। इवेंट ऑफर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे शायद मिलेगा। वो चेक कर लेता हूँ यार, गिफ्ट तो मुझे चाहिए था, मैंने गलती से उसको कैंसिल कर दिया। ऑल राइट मिल रहा है मुझे, देखते हैं क्या चीज़ है ये। रेड कलर के कुछ कार्ड दिख रहे हैं, लकी टिकट्स नाम है इसका। तो भाई चलो ठीक है यार, बढ़िया बात है, अपने को लकी टिकट्स मिल चुके हैं। यूज़ देखना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पर ये यूज़ आने वाले हैं। फैन गल यहाँ पे दिखा रही है, कुछ बोलना चाह रही है, छोड़ते इसको, मुझे तो फाइट के लिए सीधे चलना है। पार्टी ऊपर की तरफ लिखा पार्टी एसोसिएशन, और मेरी फाइट किससे होने वाली है मुझे वो चेक करना पड़ेगा चल के। हो भाई जल्दी से आ जाए जिससे भी होने वाली है। रेगुलर और ग्रैंड दिखा रहा है मुझे, रेगुलर के अंदर चलना पड़ेगा क्योंकि अपने पास 300 यहाँ पे टोकन्स नहीं है। तो छोड़ते हैं इसको, पार्टी के अंदर मैं आ चुका हूँ रेगुलर वाली में। मुझे पता है रेगुलर और मतलब आप बोल सकते हो ग्रैंड इक्वल ही है, बट रिवॉर्ड का फ़र्क पड़ता है यार, वरना फाइट तो सेम ही होती है। बैरन वैन ब्लड नाम है इसका, देखते हैं। वैम्पायर लगा है, ब्लॉक कर रही है भाई, ब्लॉक नहीं करता है, डैमेज सही लगता है। एक फाइनल, रुक जा। लो भाई लैग से मैंने इसको यहाँ पे हरा दिया है। सो मैं फर्स्ट वाला राउंड तो विन हो जाता हूँ। अभी उतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है, बट ये भी ये ब्लॉक करता है ना तो डैमेज कम लगता है। तो देखते हैं राउंड टू में क्या होगा, होना वही है, मैं ही जीतने वाला हूँ इसमें। भाई शेडो की एनर्जी यूज कर रहा है, मैं भी करूंगा। चलो फाइनली मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली फाइट तो विन हो चुका हूँ। अब ये वाली फाइट यार उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बट देखते आगे क्या क्या होने वाला है अपने साथ। वैसे यार ये मतलब आप बोल सकते हो जो इसका नाम है क्रीपी पार्टी वैसी अपनी फाइट हो रही है। फैन गर्ल भी थोड़ी सी क्रीपी लग रही है बट क्यूट भी लग रही है, उतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है। चलो देखते हैं राउंड वन, लेडी डार्कनेस से अपनी फाइट होने वाली। ये डेंजर लग रही है, देखने डैमेज पर सही लग रहा है, फर्स्ट स्ट्राइक हेड हिट। ओ भाई मुंह पे ही लगा है उसके, बिल्कुल उठा के मैंने पटक दिया। खत्म भाई, फर्स्ट वाला राउंड तो मैंने यहाँ पे इसको हरा दिया है, बट अभी बारी यहाँ पे सेकंड वाला राउंड की, तो देखते उसमें क्या होने वाला है। वही होने वाला है, मैं जीतूंगा। बट भाई उसने जो हवा में धनुष मारा था वो कितना ज्यादा खतरनाक था, अगर वो मुझे आगे लगता तो शायद मेरा काम तमाम हो सकता था। चलो देखते हैं फाइट। यार ब्लॉक के बाद डैमेज बहुत कम लगता है, अभी चलो सही लगा। खत्म, नहीं भाई बची है इसमें जाने की। एक डैमेज फाइनल, अरे भाई एक फाइनल हो भाई, फाइनली डैमेज लगना था, बट फिर भी कितनी ज़्यादा मतलब तेज तेज मार रही थी ना, उसे लग रहा था वो जीत जाएगी। चलो तो लेडी डार्कनेस को तो मैंने यहाँ पे हरा दिया है, कुछ रिवॉर्ड मुझे मिलेगा क्या? हाँ लकी टिकट्स मुझे अभी 50 और मिल चुके हैं, अच्छी बात है। अभी बारी है नेक्स्ट वाली फाइट की, तो चल के देखते हैं वो किससे होने वाली है। और उसके बाद मुझे 200 टिकट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रैंड में खेल पाऊँगा, बट मुझे 300 चाहिए ग्रैंड के लिए। वैम्पायर लॉर्ड से फाइट हो रही है, मुझे 3 राउंड जीतना, मतलब कोई बॉस है। हाँ इसके अंदर रेड कलर की लाइट जलती है, डैमेज यार थोड़ा कम लग रहा है बट ठीक लग रहा है। ओ भाई ये कितना गंदा डैमेज दे रहा है, यार फर्स्ट राउंड में हार गया,
वैम्पायर लॉर्ड को मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया, बट बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसका वेपन का डैमेज ना मुझसे ज्यादा हाई लग रहा था, मतलब तो मुझसे डबल लग रहा था इसके वेपन का डैमेज। तो लगता है राउंड 2 में क्या होता है। मैंने शेडो की एनर्जी का यूज कर लिया स्टार्टिंग में। चलो भाई फाइनली फर्स्ट राउंड तो मैं जीता हूँ। अलग राउंड 2 चल रहा है बट मेरे लिए तो ये फर्स्ट ही राउंड है ना जो मैं जीता हूँ, मुझे 3 राउंड लगातार जीतने। चलो ठीक है राउंड 3 की बारी है। वैम्पायर लॉर्ड भाई पावरफुल तो है, इसको थोड़ा डैमेज कम लग रहा है, वही बात है बस। जमीन में घुसता और पीछे से निकलता है। चलो जाने वाला ये भी। ये जब मुझे मारता है तो उसको रेड कलर की बॉडी जलती है। ये फाइनल हो जाएगा किससे इसका काम, क्या लगता है? ओ भाई थोड़ा सा बच गया ये, वरना तो गया था ये। कुछ हुआ ही नहीं इसको। चलो मैंने यहाँ पे इसको शेडो की एनर्जी का यूज़ करके हरा दिया है। वैसे मुझे पता है इसको यूज़ नहीं करना था क्योंकि मैं वैसे भी इसको मार के गिरा सकता था, बट कोई बात नहीं राउंड 4 की बारी है और अगर ये वाला राउंड में विन हो जाता हो तो वैम्पायर लॉर्ड का तो काम तमाम ही है। फिर भी सही डैमेज लग रहा है, थोड़ा कम है। ओ भाई ये लो भाई उठा के गजब फेंकता हूँ यार मैं इसको। खत्म भाई, इसके अंदर से कुछ एनर्जी छूट के मेरे पास आ गई थी ना। वैम्पायर लॉर्ड को तो मैंने यहाँ पे हरा दिया है भाई। वैम्पायर बहुत ज्यादा खतरनाक होते भाई, ये खून वगैरह पी लेते हैं, बट अपन ने इसका यहाँ पर काम तमाम कर दिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्टी किससे होने वाली है भाई। 3 राउंड जीतना था मुझे। चलो ठीक है अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्टी किससे होने वाली है भाई। बंदा तो खतरनाक था वैसे वो, तो वैम्पायर हंटर नाम है इसका और भाई शायद मैं वैम्पायर बन चुका। मेरी आइज देखो आप, मेरी आइज रेड कलर की हो चुकी है। डैमेज तो सही लग रहा है। स्ट्राइक इन क्या मतलब इसका भाई, गंदा मार रहा है यार, इसका डैमेज बहुत ज्यादा हाई है। शायद ही मुझे हरा देगा। फर्स्ट राउंड तो ये विन हो चुका है बट अब मुझे लगातार 2 राउंड को जीतना पड़ेगा वरना मैं हार जाऊंगा। वैम्पायर हंटर को मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, बट भाई ये तो सही काम कर रहा है ना, ये तो वैम्पायर का हंट कर रहा है, बट मैं तो वैम्पायर नहीं था यार, मैं वैम्पायर लॉर्ड को हरा के वैम्पायर बनाऊँ क्या? देखो मेरी आईज तो रेड कलर की दिख रही है मुझे। चलो देखते क्या होता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैम्पायर हंटर का तो काम तमाम कर दिया है परफेक्ट तरीके से, बट अभी यार एक और राउंड की बारी है। चलो जल्दी से आ जा राउंड 3 भाई। इस वाले राउंड में जो होगा वो देखने वाली, मैंने परफेक्ट तरीके से उसको हराया था, बट देखते इसमें क्या होता है। भाई ये काउंट किस चीज के लिए चलता है यार, काउंट क्यों चलता है?
क्रूज स्ट्राइक वगैरह वहां पे लिखा होता है। खत्म। सो वैम्पायर हंटर का तो यहाँ पे काम तमाम हो जाता है। मैंने यहाँ पे इसको हरा दिया है और बढ़िया फाइट चली यार। वैसे इजीली मैंने हराया, ज़्यादा मुझे डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी इसके लिए। बट ये यार के फर्स्ट राउंड उसने बहुत गंदी तरीके से मुझे हराया था। चलो 200 अपने को यहाँ पे टिकट्स मिल चुके हैं। अगर 100 और मिल जाते तो मैं ग्रैंड भी खेल लेता, बट 100 कम है अपने पास टिकट्स। छोड़ते इस चीज़ को, देखते हैं नेक्स्ट फाइट वैम्पायर घोल से होने वाली है। भाई ये तो खतरनाक लग रहा है इसका। आप भाई इसका वेपन देखो, हैमर है, कितना ज़्यादा हैवी लग रहा है ना। भाई डैमेज बहुत ज्यादा कम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा कम। इसका डैमेज तो सही है, मेरा फिर क्यों कम है। भाई बंदा बच भी रहा है, एक फाइनल डैमेज और। भाई मेरे लिए फंदा लग रहा है, मैं क्या तुझे जानवर दिख रहा हूँ जो इसके अंदर फंस जाऊंगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला राउंड तो मैं यहाँ पे विन हो जाता हूँ। भाई मैं इसको जानवर दिख रहा था यार, मेरे लिए फंदा लगा रहा था भाई, उससे मुझे कुछ हो सकता था क्या। अभी राउंड 2 की बारी है, अगर मैं फंसता तो मुझे डैमेज तो लगता, बट भाई नहीं फंसने वाला था यार उसके अंदर। यार बहुत ज्यादा कम डैमेज लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है भाई, थोड़ा तो ज्यादा लगे। इत्तू इत्तू सी हेल्थ जा रही है बस उसकी, और मेरे को इतना ज्यादा गंदा डैमेज। अभी जाने वाला है ये, थोड़ा सा डैमेज और, एक फाइनल, खत्म। वैम्पायर घोल को तो मैंने हरा दिया, बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक था यार, आप बोल सकते हो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। देख रहे थे कितनी ज्यादा कम हेल्थ इसकी जा रही थी। अरे चलो आपके भाई के सामने कहीं टिकने वाला था ये। तो अभी बारी यहाँ पे फाइनल फाइट की, और जो कि किससे होगी, मेरी वैम्पायर लॉर्ड से। इसको तो मैंने अभी अभी हराया था ना, फिर से आ गया तू फाइट करने। इस बार मुझे लग रहा है डैमेज थोड़ा कम है। चलो जाने वाला ये, एक फाइनल डैमेज हो। ऑल राइट, तो वैम्पायर लॉर्ड को मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला राउंड तो हरा दिया है। अब वैम्पायर लॉर्ड की यार हेल्थ काफी ज्यादा कम जा रही थी, बट अच्छी बात हमने वाला डोनर है, अगर मैं इसको मारता हूँ ना तो मेरी हेल्थ ऑटोमेटिक प्लस होती है, तो वो काफी ज्यादा अच्छी बात है। हीलिंग पे मैं जाता हूँ जैसे मैं इसको डैमेज दूंगा। जमीन से कैसे निकलता है, लो भाई गंदा मार रहा है, तलवार ही फंसा दी थी। फिनिश।
100 सेकंड वाला राउंड पे मैं अभी विन हो चुका हूँ यार। गेम काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है, मतलब इसको डैमेज बहुत ज्यादा कम लग रहा है। ओ भाई, ये जो जमीन से निकल के आता है पीछे तलवार घुसाता है ना, वो तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक सीन है। चलो देखते हैं राउंड 3। देख रहे हो शेडो की एनर्जी के बाद भी कितनी गंदी तरीके से तलवार उठाता है ये। तू तो जाएगा, तू नहीं बच पाएगा। ये आया पीछे से, टीम का सबका बॉस लग रहा है मुझे। क्या गंदी हेल्थ लेता है भाई ये। चलो ठीक है, गया। मैंने यहाँ पे वैम्पायर लॉर्ड को हरा दिया भाई। वैसे तो देखने में ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट एक भी राउंड ये मुझसे नहीं जीत पाया। और इसका रीजन है कि ये हो सकता है कि मैं काफी से चौकन्ना था और मैं इसको मौका ही नहीं दे रहा था। अपने को कार्ड मिला यूनिक बेसिक का, ओपन कर देखिए इससे अपने को क्या मिलने वाला है। होप करता हूँ कुछ तगड़ा ही मिलेगा, ज्यादा पीसेस में काटने की कोशिश करता हूँ। कुछ तगड़ा रिवॉर्ड 63 में ही हो पाया। कोल्ड ब्रीज भाई, ये सब चीज़ें किस काम आती है मुझे अब तो इसका यूज ही नहीं पता है, पर ये सब चीज़ें मुझे बार बार मिलती रहती है। चलो फैन गल से मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, सो क्या होने वाला है। कनेक्शन रिवॉर्ड 25 जेम्स ही होते हैं हर बार, मुझे पता है भाई। यहाँ से हर बार जितनी बार भी मिला मुझे सिर्फ 25 जेम्स ही मिले हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ लकी टिकट्स करके यूज़ आया था, तो उसको मैं देखते हैं कहाँ पे यूज़ आ रहा है यहाँ पे। अरे भाई गलत चीज़ खुल गई। शेडो की एनर्जी मुझे यार यहाँ पे वो चाहिए थे, या तो फिर लेजेंडरी की मिल जाती या फिर भाई टिकट्स मिल जाता जिसकी मदद से मैं ग्रैंड खेल पाता। चलो कोई बात नहीं, शेडो की एनर्जी से मैं अपने वेपन वगैरह को अपग्रेड कर लूँगा। यहाँ से मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, तो चल के चेक करते क्या होने वाला है वो। 90s की है भाई रेयर की, तो मतलब मैं 3 बार रेयर की चेस्ट ओपन कर सकता हूँ। चलो ट्राई करते हैं क्या मिलने वाला है अपने को यहाँ से। ऑलराइट, कुछ तगड़ा। नो यार भाई, लो पावर यार। रेयर से हमेशा ख़राब ही चीज़ मिलती है, एपिक या फिर लेजेंडरी तो थोड़ी सही भी मिल जाती है, बट रेयर की चीज़ें होती भी तो भाई अंडर पावर है ना। एक चीज़ मुझे मिली थोड़ी सी अपग्रेड, भाई डंडा टाइप का लग रहा है कुछ। एक फाइनल और मुझे ओपन करना चेस्ट। नहीं भाई, नहीं आने वाला कुछ, मुझे लग ही रहा था कुछ अच्छा नहीं आने वाला है। पर एक चीज़ अपने पास एक अपग्रेड वेपन अपने को मिला है, वो ज़्यादा अच्छी बात हो गई। वरना रेयर से मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद रहती नहीं है। तो बाकी आपको बताना कि आपको ये वाला इवेंट कैसा लगा। खैर मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा, खेलने के लिए सही था, मतलब अपने को फाइट्स काफ़ी ज़्यादा क्रीपी देखने को मिली है। बट भाई रिवॉर्ड का क्या, वो भी तो अच्छा मिलना चाहिए था ना। तो यही कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको मजा आया तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।